अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे रहस्यमय किरदार माना जाता है। वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्हें अमर होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस दुनिया में भटक रहा है। अलग अलग इलाकों में लोगों ने उनके होने का दावा किया है। आज हम जानेंगे उन सभी जगह के बारे में जहां आज भी बसता है अश्वत्थामा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ पहला क्षेत्र है अष्टभा। माना जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडवों से अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के बेटों समेत बड़ी सेना का सफाया कर दिया। जब पांडवों को अपने बेटों की मौत का पता चला तो भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा। अश्वत्थामा आगे आगे भागा, भीम पीछे पीछे। भागते भागते दोनों अष्टभा क्षेत्र पहुंचे जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है। यहाँ भीम और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अश्वत्थामा पर गदा से इतने जोरदार वार किए कि अश्वत्थामा के हाथों से उसकी गदा छूट गई। तब भीम ने अश्वत्थामा पर भयंकर हमला किया, पर अश्वत्थामा सही समय पर पीछे हट गया जिससे गदा जमीन से जा टकराई। भीम के जोरदार गदा के वार से वहां एक गड्ढा बन गया जिसमें पानी भर गया। इस जल स्रोत को भीम कुंड कहा गया। आज भी इस भीम कुंड में लोग स्नान करने आते हैं। इसी जगह अश्वत्थामा कुंड नाम का भी एक कुंड मिलता है जहां पर लोग तेल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि अपनी मणि निकालने के कारण अश्वत्थामा के सिर पर गहरा घाव हो गया था। तेल लगाने से अश्वत्थामा की चोट को आराम मिलता है। एक और मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा यहाँ पर गुप्त रूप में मौजूद रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाते हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी हुई दूसरी जगह का नाम है टपकेश्वर महादेव, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस जगह के बारे में मान्यता है कि ये जगह ऋषि द्रोणाचार्य की तपोस्थली थी। कहा जाता है कि बचपन में द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि अश्वत्थामा को दूध पिलाने को भी उनके पास साधन नहीं थे। ऐसे में अश्वत्थामा ने भगवान शिव से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा उत्तराखंड के घने जंगलों में भटकता हुआ नजर आता है और कई लोगों ने यहाँ पर पाए गए विशाल पेड़ों के निशानों को अश्वत्थामा से जोड़कर देखा है। अश्वत्थामा से जुड़ी तीसरी जगह है आसिरगढ़ का किला। सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित ये किला एक जलाशय से घिरा हुआ है। इस जलाशय के बारे में ये मान्यता है कि ये किसी भी हालत में नहीं सूखता। इस जगह का इतिहास महाभारत के अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जलाशय के पास अश्वत्थामा हजारों सालों से निवास कर रहे हैं और वो रोज यहाँ पर स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। ये मंदिर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर तक जाने वाला एक गुप्त रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा रहता है और अपना श्राप पूरा कर रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। कहा जाता है कि इस किले के गुप्तेश्वर महामंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर शिव की उपासना करते हैं। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास हमें खोदरा महादेव नाम का तीर्थ मिलता है जिसके बारे में ये भी मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ शिव जी की उपासना हजारों सालों से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमें 3 ऐसे मंदिरों का जिक्र मिलता है जिनके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा आते हैं। ये 3 मंदिर है इटावा का काली मंदिर, कानपुर का खेड़ेश्वर मंदिर और लखीमपुर खीरी का बाबा लिलोटीनाथ मंदिर। कहा जाता है कि इटावा के काली मंदिर में अश्वत्थामा गुप्त रूप से रहता है और हर सुबह यहाँ गुप्त रूप से प्रतिदिन शिवलिंग में सबसे पहले पानी चढ़ा कर जाता है। रोज सुबह मंदिर का कपाट खुलने से पहले अश्वत्थामा मंदिर में पानी चढ़ाकर चला गया होता है। अगर बात करें खेड़ेश्वर महादेव की तो इसे अश्वत्थामा की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ पहले द्रोणाचार्य का निवास स्थान था जो अब शिव मंदिर के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा रोज आधी रात में फूल फल और चावल चढ़ाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मंदिर में एक सफेद आकृति देखी है जिसके बारे में मान्यता है कि वो अश्वत्थामा है। बाबा लिलोटीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी आधी रात को अश्वत्थामा पूजा करते हैं और सुबह भक्तों को यहाँ के जंगलों में पूजा की सामग्री बिक्री हुई मिलती है। अश्वत्थामा से जुड़ा आखिरी स्थान है उड़ीसा का धवलागिरी पर्वत।
जिसे अश्वत्थामा पर्वत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में अश्वत्थामा श्री कृष्ण का शाप लगने और मणि छिन जाने के बाद चला गया था। आज के समय में यह जगह कलिंग के युद्ध के लिए जानी जाती है, पर आज भी उड़ीसा के जंगलों में अश्वत्थामा के होने की बात कही जाती है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।